नमस्कार क्लास, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनटीए अभ्यास ऐप, है ना। तो ये है पेपर नंबर 67 जेई सेक्शन से, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर सवाल क्या है, इसको पढ़ते भी हैं, उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एक इंजन है, ठीक है, और ये रहा सोर्स, ये रहा सिंक, तो हमने क्या सीखा है, ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से है ना, हमने क्या सीखा है, किसी भी एक इंजन के लिए अगर ये रहा सोर्स और ये रहा सिंक और इनके टेम्परेचर्स की वैल्यू है T1 और T2, ठीक है, जहां हम जानते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब सोर्स का टेम्परेचर सिंक से बड़ा होता है। इसकी हमने एफिशिएंसी क्या पढ़ी है फॉर द कारनॉट इंजन, फॉर द कारनॉट इंजन हमने एफिशिएंसी देखी है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, अब मजा आएगा सॉल्व करने। क्वेश्चन लिखता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन of working temperatures, the efficiency of Carnot engine is the least. Carnot engine की efficiency को least करना है. इसका मतलब T2 by T1 को कैसा करना पड़ेगा, maximum. Right? अगर T2 by T1 maximum हुआ तो अपने आप efficiency कैसी हो जाएगी, least. क्योंकि देखो यहाँ पर minus की sign है कि नहीं, simple fact है. इसका मतलब मुझे सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा या इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, देखते जाओ। बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज लिखते जाते हैं टेम्परेचर्स की, चार केसेस के लिए, है ना, T2 और T1। पहले केस में है T2 is 80, T1 is 100, है कि नहीं। तो वेल इनका T2 by T1 का रेशियो अपन को देखना है मैक्सिमम किसके लिए है, जिसके लिए भी होगा वो वाला कॉम्बिनेशन के लिए एफिशिएंसी मिनिमम हो जाएगी, देखो यहां से, राइट, ठीक है। फिर अगला है 20 एंड 40, फिर है 60 एंड 80, फिर है 40 एंड 60, ठीक है। अपन क्या बस रेशियोज निकालते जाओ, तो क्या क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, राइट, दैट इज 8/10, करेक्ट, दैट इज 0.8। ये हो जाएगा 20 अपॉन 40, दैट इज 0.5। ये हो जाएगा 60 अपॉन 80, राइट, दैट इज 3/4 और 0.75। ये हो जाएगा 40 upon 60, that is 2/3 or 0.66. अब इन सब में से मैक्सिमम देखना है, फर्स्ट वन कैसा आ रहा है, मैक्सिमम क्या, T2 by T1 का रेशियो, इसीलिए इसके लिए एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है इसीलिए एफिशिएंसी हो जाएगी मिनिमम, ठीक, बाय दिस रिलेशन। तो हमारे पास इसलिए ऑप्शन हो गया ए, राइट। हमको देखो एफिशिएंसी को लीस्ट करना था या मिनिमम करना था एफिशिएंसी को, तो हमने T2 by T1 के रेशियो किसके लिए मैक्सिमम है वो फाइंड कर लिया, करेक्ट। रिपीट करते हैं, कारनॉट इंजन के लिए एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 माइनस T2 by T1, राइट, हमने T2 और T1 का लिस्ट बनाया क्योंकि हमको पता है कि एक कारनॉट इंजन में सोर्स का टेम्परेचर इज ग्रेटर, सिंक का टेम्परेचर इज स्मॉलर। T2 by T1 अगर मैक्सिमम हुआ तो एफिशिएंसी लीस्ट होगी, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब आपने ये वैल्यूज को लिखते गए, राइट, T2 by T1 सबके लिए देखा, जिसके लिए मैक्सिमम है उसके लिए एफिशिएंसी होगी लीस्ट, इसीलिए ऑप्शन है ए, राइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुपर। Okay.